कोर्स अर्जेंटीना वॉन द वर्ल्ड कप, मेसी वॉन द वर्ल्ड कप फाइनली, कैसा फील हुआ आपको? वेल डिजर्व्ड, वेल डिजर्व्ड। बीइंग अ यूनाइटेड फैन, मैं ऑब्वियसली नहीं चाह रहा था वो जीते, लेकिन इससे एक चीज हो गई कि डिबेट सेटल, मतलब विद अ हैवी हार्ट मैं बोलूंगा कि हो गई अब। काइंड ऑफ यस, ही वॉन द वर्ल्ड कप एक्चुअली, वो उस पर तो कोई डिबेट है नहीं। बट देखिए, मैं बोलता हूँ काफी लोग जो है मुझे शायद कमेंट्स में भी मेरे पीछे डायरेक्ट आ जाए मेसी के फैंस, बट देखिए बात सारी है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट बोथ द प्लेयर्स, बोथ वर एब्सोल्यूट लेजेंड्स इन देयर ओन प्राइम, दे बोथ प्लेड फॉर सम ग्रेट क्लब्स और काफ़ी अच्छा उनका करियर रहा, रिकॉर्ड उन्होंने बनाए और लॉन्जेविटी देख लें आप, हर चीज़ थी उनके अंदर और जो भी आप कह लें, मतलब यू नो बिल्कुल एबनॉर्मल स्टैट्स, यू नेम इट, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग। आपको रिस्पेक्ट दोनों की करनी चाहिए, बट मैं बिलीव करता हूँ कि मैसी इज ऑलवेज बीन अ लकी कंपेयर टू रोनाल्डो इन सम एस्पेक्ट्स आई वुड से। मतलब फॉर एग्जांपल आप देखा जाए, वो जब से वो उसने होश संभाला, उसको ग्रोथ हार्मोन का सिंड्रोम था, बार्सिलोना ने उसको बुलाया, बार्सिलोना उसकी फैमिली बन गई, 12 साल 11 साल की उम्र से बारसा 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 करते करते वो एकेडमी में आया, फिर वो ऊपर आता रहा, बैलन डी ओर जीते, सब चीज़ें जीती, उसकी जब बिल्कुल पीक खत्म हो गई 33-34 का हो गया, देन ही लेफ्ट बारसा एंड वेयर डिड ही वेंट, ही वेंट टू पीएसजी, जिसको सादा अल्फाज में कहते हैं फार्मर्स लीग, बिकॉज वहाँ पे एक ही टीम है, सारा पैसा उनके पास है, जो टॉप का टैलेंट होता है मोनाको के पास मबापे आया, वो भी उन्होंने खरीद लिया। तो ये सिस्टम है। तो मतलब दूसरी बात अगर देखा जाए, ही प्लेज फॉर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में क्या है, अर्जेंटीना इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री, वहाँ पे आपकी 4 या 5 टीमें क्वालिफाई करती हैं वर्ल्ड कप के लिए आउट ऑफ 10-12 नेशंस। इफ यू कंपेयर टू यूरोप, 13-14 टीमें क्वालिफाई करती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 शायद या 12-13 होती हैं आउट ऑफ 52 नेशंस, एंड देयर देयर हैवी वेट्स, जर्मनी वहाँ पे, इटली वहाँ पे, फ्रांस है, इंग्लैंड है, बहुत अच्छी टीम है, नेदरलैंड्स है। तो ये सीन है, मतलब उसकी दूसरी बात ये कि हाँ मानता हूँ इस बार उसके ऊपर टीम अच्छी थी, निकल समहाउ, मुझे समझ नहीं पोर्चुगल ने क्या किया है वर्ल्ड कप में, किया क्या है समझ नहीं आई, उस पर बताएं। अच्छा, पोर्चुगल का जो मुझे लगा ना, इनके जो कुछ प्लेयर्स थे, आई थिंक उनको जो जिनको खिलाना चाहिए था ना, जो एक इनका विंगर था, आई थिंक उसका क्या नाम है, रफाइल लियाओ, उसको एंड एंड में बुलाते थे, तो वो मेरे ख्याल से वो तो स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि वो एसी मिलान की तरफ से वो लीग जीते हैं लास्ट ईयर, बहुत इंक्रेडिबल उसका सीजन गया था, तो रफाइल लियाओ। लेकिन स्टिल मैं अगर देखूँ ना, तो जो डिफेंडर्स, जो उनका इंजन था ना, एजिंग इंजन था, लेकिन इनके पास अब जो जनरेशन आई है ना, जिसमें जाओ फिलिक्स है, रफाइल लियाओ है, और जो इनका स्ट्राइकर रेमोस जिसने गोल मारा था हैट्रिक, वो तो इनके पास अब इन्फ्लक्स अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो रोनाल्डो एरा तो अब खत्म हो चुका है ना, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, मतलब इज इट रेडी एंड उस मेरे ख्याल से मैंने मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ना कुछ 2-3 हफ्ते बाद हम आदी हो जाएं उसको हैट्रिक मारते हुए देखते हुए सऊदी अरब में, दोबारा टीम में आ जाए, कुछ इससे अच्छी क्या चीज है। तो वैसे वो बंदा गिव अप तो नहीं करता, मे बी ही हैज अ ग्रज के मुझे कुछ करना चाहिए कंट्री के लिए, शायद टाइटल ले जाए, अगला वर्ल्ड कप भी खेल ले, कुछ पता नहीं, यू नेवर नो, अब यूरो खेल ले, अभी अगला तो यूरो होगा, हां यूरो तो खेल लेने के, वही है ना, वर्ल्ड कप इज व्हाट मैटर्स मोस्ट, इवन इफ ही लाइक विंस अ यूरो, ही प्लेज अ यूरो, ही हैज वॉन अ यूरो, हां वही ना, अगर दोबारा जीत जाए, मुझे उस टाइम पे लगा था कि ना अब खत्म हो गया, क्योंकि ना मुझे ये एक तो चीज पता थी कि पोर्चुगल ने तो वर्ल्ड कप नहीं जीतना, अर्जेंटीना का भी नहीं सोचा था, क्योंकि उस टाइम में मेसी का फॉर्म थोड़ा सा शेकी चल रहा था, तो अपने ये सोचा था कि अब सेटल हो गई है, रोनाल्डो यूरो जीत गया है, खत्म हो गई बात, इंटरनेशनल ट्रॉफी पहली ना, लेकिन फिर वही मेसी, यू नो कमबैक्स मेसी कर गया फिर।